चलो अमेरिकन प्रॉब्लम है। D2 माइनस 5D प्लस 6Y इज इक्वल टू D की पावर 2X साइन टू एक्स साइन टू एक्स पहला पट्टा हम लोग आपके लिए इक्वेशन लिखता हो सकता सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 6 के छे अंदर माइनस 5 3 2 6 दिस इंप्लाइज दैट एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट m को कॉमन करो m माइनस 2 इधर से माइनस 3 कॉमन करो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट पहले पैकेट में आया m माइनस 2 और दूसरे पैकेट में m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि m इज इक्वल टू दो वैल्यू आती है 2 कॉमा 3 दिस इंप्लाइज दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर 3x
दिस इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर टू एक्स डी माइनस फोर. अच्छा फिर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर यानी अपॉन माइनस टू स्क्वायर माइनस सिक्सटीन साइन एक्स. सही है गलत? दो दूनी चार, सोलह चार बीस, माइनस बीस, माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स अपॉन ट्वेंटी. और ये रहा डी माइनस फोर ऑपरेटेड ऑन साइन टू. साइन टू एक्स को अंदर ले लो तो एक बार साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन और उसके बाद केवल अब केवल फोर का इसमें मल्टीप्लाई. तो दिस इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स अपॉन ट्वेंटी बाहर ब्रैकेट के अंदर में डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन टू एक्स माइनस फोर इंटू साइन टू एक्स. और हम सबको पता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो पहला हुआ कॉस टू एक्स और टू एक्स का टू, तो ये हुआ टू कॉस टू एक्स. This is equal to e to the power 2x upon 20 within bracket 2 cos 2x minus 4 sin 2x. Particular integral में चुका. रही बात केवल और केवल complete solution. अब वो दो को common करके उड़ा सकते हो. कोई दिक्कत नहीं इसका. ऐसे उड़ा देंगे. हाँ, बात तो ऐसे ही था. एक और बात नहीं दो बात. Cos अरे एक तो इधर से उड़ गया आप कहाँ से. अरे उसमें तो इसमें नहीं नहीं काटेंगे उसको. देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज सीएस. देखो बीटेक में चल रहा है कंप्यूटर साइंस की ब्रांच. इसके बाद ना आप ही पागल होने की जगह सीएस इज वाई इज इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो सी एफ बोलो कितना था
डी आई निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी, डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स एंड नाउ दिस ऑपरेटेड ऑन द एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स। ये पूरा बन जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स एंड ऑपरेटेड ऑन ई टू एक्स इंटू एक्स। दिमाग चलाना इधर तक तो बन गया, इससे क्या हो जाएगा वन माइनस कॉमन कर ले, बोलो माइनस कॉमन कर ले, अगर माइनस कॉमन किया तो इधर क्या बनेगा फाइव अपॉन सिक्स डी और ये होगा माइनस वन अपॉन सिक्स डी स्क्वायर। सही है गलत? और ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं किस पर, एक्स स्क्वायर प्लस सेम कंडीशन वन बाई सिक्स को या वन बाई सिक्स नहीं सॉरी e की पावर x को बाहर निकाला तो e की पावर x बाहर आया वन अपॉन d की जगह पर कितना d प्लस वन, तो d प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस वन और प्लस कितना सिक्स एंड होल ऑपरेटेड ऑन। मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे होने क्या वाला है, ये बाइनोमियल में टूटेगा और बायनोमियल में टूटेगा खाली दो घात तक एक्सपेंशन लेकर के जाएंगे क्योंकि कितना है एक्स स्क्वायर है और ये वाला बायनोमियल में बीस को लेकर के जाएंगे और केवल वन डिग्री तक का एक्सपेंशन रखेंगे क्योंकि एक्स की पावर कितना है वन। नोट कर ऊपर लेकर के चलो इनको, तो ये रहा वन अपॉन सिक्स वन माइनस फाइव बाई सिक्स डी माइनस वन अपॉन सिक्स डी स्क्वायर टू दी होल पावर माइनस वन होल ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स। वेरी कम, इसको पहले कहीं अलग से स्क्रिप्ट आ कितना आएगा पूरा ओपन करने पर डी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू डी इधर से हुआ माइनस फाइव डी माइनस फाइव प्लस सिक्स तो इधर से छः एक सात और इधर से कितना माइनस फाइव यानी कि बचा कितना प्लस टू इधर से डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू ये रहा तो वन बाई टू कॉमन किया जाए प्लस वन अपॉन टू को कॉमन किया वन अपॉन टू को कॉमन करो तो ये वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू पूरे में से बाहर निकाला वन अपॉन टू तो ये आ रहा है वन अपॉन वन इधर का माइनस कॉमन किया तो थ्री बाई टू डी और माइनस वन अपॉन टू डी स्क्वायर और इसको ऊपर बैठा दो ये रहा वन माइनस थ्री बाई टू डी माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस वन और ऑपरेट किस पर कर रहे हैं देखो जिनको दिक्कत लगे इसमें वो लोग आप पूछ सकते हैं कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत आई कोई नहीं चेक कर लो सारी कैलकुलेशन सही है कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना सही है कि नहीं पहले बताएं मेरा थोड़ा सा करना कैलकुलेशन अच्छा बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस सारे एक्सपेंशन किस में टूटेगा सारा पॉजिटिव में टूटेगा चलो सारा पॉजिटिव में होगा दिस इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स को बाहर रखो एक्सपेंशन याद है वन प्लस एक्स स्क्वायर वन
प्लस एक्स, एक्स का मतलब फाइव बाई टू डी और माइनस वन बाई सिक्स डी स्क्वायर। अच्छा एक चीज बोलो, प्लस एक्स वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो सुनो, एक्स स्क्वायर वाले में भले ये चार डिग्री में खुले लेकिन ये तो दो डिग्री में खुलेगा ना, तो इसलिए लिखा जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर यानी पचन पच्चीस बटे सौ छत्तीस टी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन थर्टी सिक्स बी की पावर फोर और फिर माइनस टू ए बी, इसमें माइनस माइनस टू ए बी, तो टू इंटू फाइव बाई सिक्स इंटू वन बाई सिक्स, हालांकि लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिखे रहे हैं। तो माइनस टू इंटू फाइव बाई सिक्स इंटू वन बाई सिक्स इंटू बी की पावर थ्री और अब हम आगे और बाहर कौन है एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन टू, इधर गौर करना ये कितनी डिग्री, तो एक ही टर्म पूरे वन प्लस एक्स बस और आगे लिखने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा ब्रैकेट में वन प्लस एक्स यानी कि थ्री बाई टू डी और माइनस वन अपॉन टू डी स्क्वायर, सो पांच छोड़ देना और बाहर ये जो एक्स को अंदर देखो कितना आएगा वन अपॉन सिक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, ठीक डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स, दिमाग चलाना इधर कौन बैठा टू एक्स, दो एक के दो दो दिया छः प्लस फाइव अपॉन थ्री एक्स प्लस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर का दो बार, एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएशन कितना दो, दो का मतलब यहाँ दो बटे छः यानी माइनस वन अपॉन थ्री और बाकी सारा यहाँ बचेगा ये बचेगा कितना प्लस अट्ठारह दो छत्तीस पच्चीस बटे अट्ठारह और बाकी सब दिक्कत ना बोलो को नहीं करो, वो तो हम तुम्हारी शक्ल देख लिए रोमनी सी बन गई थी तो हम जान गए, बोले नहीं सोचो तो हम बार बार कह रहे हैं जिसको दिक्कत वो पूछ सकता है, बोलो नहीं कर रहे बस इसको बहुत चकड़िया भी देखो कुछ नहीं आएगा, हमसे पूछोगे तभी आएगा, इधर आओ कहाँ दिक्कत हुई एक्सपेंशन में या उसके ऊपर ही दिक्कत हुई, ये वाला ये वाले में अभी क्या देखो मिटा दिया ना तब तुमको दिक्कत क्या ही तभी गुस्सा लगती है हमको ना, लोग झूठा ही कहते हैं मैथ वाला मास्टर पागल होता, पागल नहीं होता मैथ वाला इसीलिए ऊपर लाता है ना काय आधी हरकतें वही करते, जब मिटा दिए तो कह रहे वो भी कह रहे हम जान लिए तो दिक्कत आई, घर वाले कहते हैं ना जाना आंख में चोट लगी हुई है किसी डॉक्टर वाले नहीं चिल्लाना उलाना नहीं, लेकिन हमको गुस्सा लग जाती है वैसी हरकत, जब हम पुल मिटा चुके होते हैं तो तुम अपनी दिक्कत बताओ, सुनो फिर से लिख रहे हैं कम काम करवाओगे ये लाओ कॉपी दो जहाँ जिससे लिखा हुआ है, लिखी तो वैसे चिराई काम नहीं सकेंगे नहीं फिर भी कोशिश हम करेंगे, वन अपॉन सिक्स सुनो जो लिखा गया था वन अपॉन वन माइनस फाइव बाई सिक्स डी माइनस वन बाई सिक्स डी स्क्वायर और ये ऑपरेट कर रहा था एक्स स्क्वायर, ये तो समझ आया था ये आया था ईमानदारी बता देना ये भी आया तो बताओ, फिर इसके बगल था वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स एक्स इंटू टी की एक्स यही था, अब सुनो रूल के हिसाब ये तो ठीक ये तो निपट चुका इसकी दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप और चलेंगे, सुनो ये पूरा नीचे बैठा है तो इसकी पावर कितनी दिख रही है, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी माइनस आया ना, तो ये क्या बन जाएगा इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा वन माइनस फाइव बाई सिक्स बी माइनस वन अपॉन सिक्स डी स्क्वायर और ऊपर लेकर आए तो पावर माइनस वन और ऑपरेट किस पर कर रहा है इसमें पावर, इसका हाल सुनो रूल के हिसाब से ई की पावर एक्स को बाहर लाओ, ई की पावर एक्स बाहर आएगा तो यहाँ कितना नजर आ रहा है वन, तो जहां जहां पर डी है उसकी जगह क्या आ जाएगा डी प्लस वन आएगा, जहां जहां डी है उसकी जगह डी प्लस वन आएगा, तो इधर सुना ई की पावर एक्स को बाहर लिया वन अपॉन डी की जगह पर डी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फाइव
डी की जगह पर डी प्लस वन, और प्लस कितना हाँ। और इधर अब अकेला बच्चा कौन, केवल ये लोग ऑपरेट करेंगे इस पर, नेक्स्ट पर आप दिमाग चलाना, ये खत्म। इसका मतलब लिखा गया है प्लस ई टू दी पावर एक्स, इसको ओपन करो, वन अकाउंट कितना डी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू डी, एन प्लस डी का होल स्क्वायर बगल वाला माइनस फाइव डी माइनस फाइव प्लस सिक्स, और सब ऑपरेट कर रहा है किस पर। अब ये खत्म, अब सुनो डी स्क्वायर अकेला माइनस फाइव डी प्लस टू डी, इन दोनों खप गए कितना आया माइनस थ्री डी, छह ए सात और माइनस पांच कितना आया प्लस टू आया, तो कुल मिलाकर के बचा कितना डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, तो ये आया डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, और ऑपरेट कर रहा है किस पर, नेक्स्ट मिला। अब इसको बाइनोमियल में लेकर के, बाइनोमियल होता है वन प्लस एक्स की पावर या वन माइनस एक्स की पावर, दो ही टर्म अपने लोग जानते हैं ज्यादातर, तो हम लोग इसको पहले वन बनाते हैं, दो को बाहर निकालोगे, दो को बाहर निकालोगे तो सुनो ये अभी भी पड़ा हुआ है, इसको दिक्कत नहीं है, प्लस ई की पावर एक्स अपॉन इधर से बाहर निकाले किसको टू, देखो क्या बना वन अपॉन, दो बाहर आया तो कितना हुआ वन, लेकिन यहाँ तो दो था नहीं तो यहाँ कितना हुआ वन अपॉन टू डी स्क्वायर आया ना, यहाँ कितना हुआ माइनस थ्री अपॉन टू, यही तो था ठीक। अब सुनो क्या हुआ, दिक्कत सुनो बता रहे यहाँ तो अभी माइनस लिखे थे, हम क्यों लिखे, हम क्या थी ना इस पूरे फैक्टर से माइनस को बाहर निकालो, इस पूरे फैक्टर से माइनस बाहर, अब सोचो इस पूरे फैक्टर से माइनस बाहर निकालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, और अंदर भी ये कैसा नेगेटिव और ये कैसा पॉजिटिव, और इस पूरे फैक्टर को लेकर के चले जाओ ऊपर, तो जब यह पूरा फैक्टर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ये वन माइनस थ्री बाई टू डी माइनस वन अपॉन टू डी स्क्वायर होल पावर, क्यों हम उसको माइनस बनाए उसका मेरे पास बहुत सीधा लॉजिक है, अगर अंदर में प्लस और बाहर माइनस है तो मुझको याद रखना पड़ेगा एक्सप्रेशन अल्टरनेटिव होता है अल्टरनेटिव, लेकिन अगर हम दोनों ही माइनस कर दें तो बवाल है खत्म, सारा पूरा का पूरा एक्सपेंशन कैसा पॉजिटिव होगा, तो हम उसी कैटेगरी में आ गए माइनस माइनस, आर टोटल एक्सपेंशन विल बी द पॉजिटिव, क्लियर हुआ, तो ये और अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कई डिग्री तक करते हैं वो इससे पता चलेगा कितनी डिग्री है, तो एक्स स्क्वायर का कई बार डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है दो बार, तीसरी बार में क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका मतलब जब इसको ओपन करो तो डी फॉर डिफ्रेंशिएशन दो डिग्री तक ही बचा करके रखना, तो एक तो ये आएगा वन प्लस एक्स ये आएगा क्योंकि इसमें डी की बार है डी की टू है दोनों ही बार डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है, अगला जब करोगे तो डी स्क्वायर बनेगा, डी स्क्वायर मतलब इसका बनेगा होल स्क्वायर, अब सोचो इसका होल स्क्वायर करो तो वो भी लिखना कंपलसरी, क्यों क्योंकि इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये कौन है a, ये कौन बी, ए स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का मतलब दो बार का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है इसलिए लिखा जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो चार हो जाएगा भले जीरो हो जाएगा लेकिन इसकी वजह से लिखना कंपलसरी, आप आगे बात समझे ये सामने एक्सपेंशन, और कोई दिक्कत और तो नहीं है, चलो शुरुआत करते हैं। हाँ ये तो निपट गया एक्स स्क्वायर का प्लस ई की पावर एक्स अपॉन टू ब्रैकेट, आओ एक्स को अंदर लेकर आओ, एक्स अंदर आए तो कितना होगा एक्स प्लस थ्री अपॉन टू और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना वन का, ये कितना जीरो प्लस प्लस एक्स की पावर एक्स अपॉन टू कौन सा, अच्छा छः का मिनट है, अरे थोड़े छः हम कम हमको अठारह बारह नहीं लगते, ई की पावर एक्स बाई टू ये रहा प्लस इधर का हिस्सा देखो थ्री ई टू दी पावर एक्स अपॉन कितना फोर और फिर कितना बाकी ये हो गया, सी एफ कितना आया सी एफ E की 2x, E की 3x, E की 2x, E की 3x,
इधर बात सुनो, बात सुनो, अगर तुम पी एफ की तरफ जाओ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की तरफ, तो ये है सी वन ई टू दी पावर प्लस सी टू ई टू दी पावर थ्री एक्स। अभी गौर करना, e की 2x है या e की 3x है, ये e की x है, e की x, मतलब कहीं भी कोई भी टर्म दोबारा इन्वॉल्व नहीं है, पूरा लिखा जाएगा। ये ख्याल रखना, जैसे मान लेना अगर ये खुदा ना खास्ता ये क्या होता 2x का, हम इसको डंप कर दें क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास c1 e की 2x इन्वॉल्व था। क्लियर हुआ? अभी ये फिलहाल नहीं है, तो अभी ये बचा रहेगा। टियर 4 कंप्लीट सॉल्यूशन है, देखो therefore complete solution is क्या चाहता है, क्योंकि लॉजिक तो यही है, आप उसको एलिमिनेट करो, ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका। अगर बहुत लकीर का फकीर मास्टर होगा ना तो बिल्कुल उड़ा देगा, और अगर थोड़ी सिंपैथी रखेगा तो नंबर दे सकता है। एक आपका y is equal to c1 e की पावर 2x plus c2 e की पावर 3x plus x square by 6 plus 5x upon 18 plus 19 upon 6 into 18 plus x e to the power x upon 2 मतलब plus 3 e to the power x by 4। ये तो भैया ये क्लास cf plus cf वो हटा देना, वो हम ध्यान नहीं देते। अगर इन्वॉल्व होगा तो हटा देना, इसके पहले वाले में चेक कर लेना, अगर इन्वॉल्व होगा तो हटा देना, वो डिलीट करना जरूरी है, वो दिमाग नहीं है। फटाफट नोट करो सब कुछ जिन्हें नहीं हुआ है। सर वो इन्वॉल्व था तो लेकिन पूरा पूरा पी आई ई टू पावर एक्स में, ई टू पावर टू एक्स में था पूरा पी आई का नहीं। नहीं वो cos 2x sin 2x रखा था, यहाँ पे जो cos 2x sin 2x वो कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन है। अगर यहाँ e की पावर 2x होता तो ये है कांस्टेंट इनटू e की पावर 2x, और यहाँ पर भी आप कांस्टेंट इनटू e की पावर 2x तब इन्वॉल्व, तब उसको आप डिलीट करते। पिछले वाले में तो तुम लोग कर, पिछले वाले में तो ये है e की पावर 2x अपॉन 10 और ब्रैकेट में cos और sin का फंक्शन लेके बैठा, इसलिए डिलीट मत करना। ये अगर पूरा फैक्टर कांस्टेंट होता तो डिलीट होता, अदरवाइज डिलीट मत करना। पीछे इधर इधर सारे लोग कांस्टेंट होता तभी डिलीट करना, अदरवाइज डिलीट मत करना। अब एक हम दे रहे हैं फटाफट निपटाओ इसी तरीके का, लिफ्टो ऐसा ही छोड़ा रही है, हटाए इसको, ये सबका हो गया। cos 2x plus cos 3x
चलो शुरुआत करो। जितने लोगों को d square minus 4d plus 3 y is equal to u to the power x cos 2x plus cos 3x सिंपल सा है, दो हिस्से में निकले हैं, निकालो। अगला लिखना पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन लिखो अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन कैपिटल Q इज द x इनटू कैपिटल बीटा वेयर कैपिटल बी इज द फंक्शन ऑफ x। पर्टिकुलर इंटीग्रल तब निकालना, इसके पहले जो हम लोगों ने किया उसमें कैपिटल Q इज इक्वल टू e टू द पावर ax इनटू कैपिटल बी, रूल याद रखना तुमको, मेन मैकेनिज्म नहीं मेन इसका रूल याद रखना है। मैकेनिज्म की बार बार करें, तुम्हारे पास किताब ये रास्ता है जहाँ तुमको किताब में बात करके मैकेनिज्म लिखा हुआ मिलेगा। कैपिटल क्यू इज इक्वल टू जिस दिन ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कैपिटल बी था उस दिन वन अपॉन फंक्शन ऑफ बी में ई टू दी पावर ए एक्स कैपिटल बी में ई की पावर ए एक्स सीधे बाहर खींच लिया था, वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी प्लस ए एंड नाउ इट ऑपरेटेड ऑन मी, नाउ सॉल्व एज प्रीवियस था। यहाँ के केस में अब की बार वो e की पावर ax ना होकर के बल्कि क्या x into capital b है, इसके लिए लिखना इन दिस केस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ b x into capital b इज इक्वल टू, ये बराबर होगा रूल याद करो, x को बाहर खींचो x बाहर, वन अपॉन फंक्शन ऑफ d ऑपरेटेड ऑन b पहला माइनस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ वन अपॉन फंक्शन ऑफ d दिस ऑपरेटेड ऑन, और आसान करें और आसान तो ये होगा दिस इंप्लाइज दैट पी आई इज इक्वल टू, सीधे ये याद हो पी आई इज इक्वल टू एक्स इंटू वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन बी माइनस, सुनो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर चला जाएगा एफ डैश ऑफ डी और नीचे हो जाएगा एफ ऑफ डी का दिस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन सेम कंडीशन ना, ये नीचे वाला है ना इसी का जनरल रूल ऊपर वाला ठीक, केवल एक काम करना है पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन एक्स इंटू डी इज इक्वल टू, सीधे लिखो एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी बी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंड दिस ऑपरेटेड ऑन द कैपिटल बी, इतना लिखो। अब ये याद करने से अच्छा है अपने लोग सीधे इसको याद करें, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो इसका वन अपॉन एफ ऑफ डी का डिफरेंशिएशन आएगा एफ डैश ऑफ डी अपॉन एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर, ठीक ना, ये मैकेनिज्म से ही आएगा तुमको, हम पहले बता रहे हैं ये पूरा हिस्सा जितना लिखा जा रहा है इसके लिए तुमको किताब, हाँ ये फार्मूला इतना हिस्सा केवल और केवल फार्मूला आपका, अब ये फार्मूला बना कैसे है उसके लिए निश्चित तौर पर फिर तुमको किताब की भी शक्ल देखनी पड़ेगी, पता नहीं क्योंकि हमसे पढ़ने पर बात वही थी 45 मिनट का, सबसे मेन दिक्कत अपने सामने ही आ माइनस वाले वो माइनस ही मैकेनिज्म एक बार देखें ना, बिना मैकेनिज्म देखे नहीं वो माइनस कहाँ से आएगा वो मैकेनिज्म ही बताएगा, वो प्लस नहीं Thank you.
pi when capital T is equal to x into v, v is the any function of x. 1 upon f of t, xv is equal to x into 1 upon f of t v minus minus f dash of t upon f of t का whole square minus. सर जी, सर जी जो ये अपडे दी किए हैं, जब उसको अपडे दी करेंगे तो माइनस उसके पहले रहता है ना फॉर्मूले में, यू अपॉन वी वाला जब करते हैं तो तभी फॉर्मूले चेक करने सही है कि गलत है डेरिवेशन का. फिलहाल अभी ना कुछ दिमाग से समझने की कोशिश करें, केवल जितना करें उतना. ये जो रूल है, इस रूल में क्या गड़बड़ी है क्या नहीं, वो सब बात करें. ठीक है, अभी ना इस पर ध्यान दो ना इस पर ध्यान, बाद में सब छोड़ना. पी आई निकलता कैसे है, मतलब रूल कैसे बनते हैं ये बताओ. सारे लोग लैबरेट्स का थोड़ा जानते हैं, टेन टाइम्स डिफरेंशिएट करने का. हम एक फंक्शन ले रहे हैं एक्स इंटू कैपिटल एक्स, एक फंक्शन लिया एक्स इंटू कैपिटल एक्स और इस फंक्शन को एन बार डिफरेंशिएट किया. इसको जब एन बार डिफरेंशिएट करोगे तो लैबरेट्स का नियम जिनको ना याद हो उनको हम याद दिलाने का कष्ट करें. कहाँ दिलाएं यार, यहाँ दिला दीजिए. सुनो, ये होता था n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू v इज इक्वल टू mc0, n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ u छूटता था v प्लस mc1, n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ u और पहली बार डिफरेंशिएशन v का प्लस mc2, n माइनस 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन u, दो बार डिफरेंशिएशन v का ऑनवर्ड चलता जाता था प्लस mc n और बिना डिफरेंशिएशन हुए छूट जाता था u और n बार डिफरेंशिएशन v का. याद आया बीएससी फर्स्ट ईयर लैबरेट्स का. आप सुनो, हम एक फंक्शन ले रहे हैं x इनटू कैपिटल x, ये फंक्शन ले रहे हैं, इसका हम n बार डिफरेंशिएट करते हैं. मुझको पता है v उसको मानने का फायदा है जो जितनी जल्दी जीरो हो जाए. तो x की डिग्री यहाँ कितनी है जरा, ये x कोई भी एक फंक्शन है, x का जनरल फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी हो सकता है. एक्स की पावर वन इंटू एक्स, इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका होगा पहले एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, सारे उठा लिखने की जरूरत नहीं, एन सी जीरो छोड़ दिया हमने. एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एक्स, ये कैपिटल एक्स का कितनी बार डिफरेंशिएशन, एन बार डिफरेंशिएशन और छूट गया कौन, एक्स अकेला छूटा प्लस एन सी वन और इसका एक कम डिफरेंशिएशन डी टी एन माइनस वन एक्स और इसका पहली बार डिफरेंशिएशन. अब जब करोगे तो x का दो बार होगा, लेकिन x की पावर कितनी है, वन, इस स्मॉल x की पावर वन है तो दो बार डिफरेंशिएशन कितना, जीरो, तीन बार कितना, जीरो, आगे का सारा टर्म कितना, जीरो. तो केवल और केवल d की पावर n x इंटू कैपिटल x का डिफरेंशिएशन आता है d की n x इंटू x प्लस एन सी वन डी की एन माइनस वन एक्स डी, बस इतना ही आता. इतनी बातें सबको की है, आप सुनो, अगर इतना ही आता तो इसके बेसिस पर हम लोग फिर इसी को लिख रहे हैं. नाउ दिस कैन बी रिटन एज x into d की nx, y x को आगे कर लिया, x into d की nx प्लस अगला इसका देखना nc1, nc1 इसकी वैल्यू कितनी होती है, n होती है, nc1 की वैल्यू nc1 is equal to factorial n upon factorial 1 into n minus 1 का factorial, तो ऊपर वाला टूटेगा n n minus 1, कुल मिला के इसकी वैल्यू केवल और केवल कितनी आई, n आई. अब सुनना, इसकी वैल्यू तो n है और बगल में d into x इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, बगल d की पावर n minus 1 x. हम लोग इसी को लिख सकते हैं, इस पूरे हिस्से को लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ d की n, और d की n का डिफरेंशिएशन d के रिस्पेक्ट में कितना होगा, n d की n minus 1 और d की n minus 1 ऑपरेट करेगा किस पर, x पर. तो क्या ऊपर का n यहाँ नजर आ रहा है कि नहीं, इसके डिफरेंशिएशन तो ऊपर वाले टुकड़े को क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है. दिक्कत जिनको दिक्कत है वो लोग सुने, इसको जरा डिफरेंशिएट करो इसको, तो ये कितना होगा n into d t n minus 1 into कितना x, और इसी n को लिखा गया है lcm आया ना, और d की n minus 1 टाइम डिफरेंशिएशन x सामने मौजूद है, यही चीज है, कुछ बदला नहीं. अब फिर हम लोग काम करते हैं, हम लोग इसके आधार पर मतलब x into x is equal to this ऐसा हुआ, तो अगर हम d पार्ट डिफरेंशिएशन है इसकी जगह डिफरेंशिएशन का फंक्शन बैठा
फंक्शन ऑफ टी जो अपने अंदर किसको इन्वॉल्व किया है, डिफरेंशियल ऑपरेटर को इन्वॉल्व किया, दैट द फंक्शन ऑफ टी। ये भी तो फंक्शन ऑफ टी ही तो है, ये कई बार का डिफरेंशियल है, आप इसको फंक्शन ऑफ डी मान लो। अगर ये फंक्शन ऑफ डी है तो इसके बेसिस पर क्या लिखा जा सकता है, फंक्शन ऑफ डी व्हेन ऑपरेटेड ऑन एक्स इनटू एक्स दिस गिव्स अ रिजल्ट एक्स इनटू फंक्शन ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन एक्स, आया ना, प्लस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन द एक्स, लिखा जा सकता है कि नहीं, इतनी बातें क्लियर है। डी कौन है, डी पर डिफरेंशियल ऑपरेटर, फंक्शन ऑफ डी ही तो है, तो आप उसी को जनरलाइज कर दिए हो x into function of t operated on x plus ddx, sorry ddv function of dx, इतना को इसका मतलब ये लिखा गया, function of t when operated on x into x we can write x into function of differential operator d operated on x plus ddv of f of d operated on x। अब हम एक काम करते हैं, मेरी सेटिंग ये नहीं, हमको जो पी आई निकालना है वो पी आई हमको निकालना है किसका, x इंटू बी का, तो हमें इसमें सेटिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, इफ बी टेक, अगर हम ले लेते हैं जो आपका फंक्शन ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन x है, ये बताओ x किसका फंक्शन है, स्मॉल x का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे भी चाहे जय बार करो चाहे जितने भी फंक्शन पे करो, आएगा तो x का ही फंक्शन, देन v इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x, और मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी v किसका फंक्शन है, x का, तो हम लोग क्या करते हैं f ऑफ dx को क्या मान लेते हैं, अगर f ऑफ dx इज इक्वल टू v है तो x कौन होगा, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d ऑपरेटेड ऑन दैट, यही होगा कि नहीं होगा, आप गौर करना, कैपिटल x इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d, हम क्या करते हैं ऊपर वाले में, देखो फंक्शन ऑफ d x की जगह पर x, लेकिन x कैपिटल x की जगह पर कौन आएगा, 1 अपॉन f ऑफ d इनटू कैपिटल, इतनी बातें सबको क्लियर है, अब दिस इज इक्वल टू x की जगह पर x है f ऑफ d इनटू x, ये इसकी जगह पर क्या मिलेगा, f ऑफ dx की जगह पर, सहमत हो कि नहीं, इसकी जगह पर कितना आया, d प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कितने का, फंक्शन ऑफ t, और x की जगह पर आप क्या भर रहे हो, 1 upon f of t into कितना, लिखा जा सकता है कि नहीं, इसका मतलब हम लोग ले सकते हैं फंक्शन ऑफ d ऑपरेटेड ऑन x into 1 upon f of d is equal to x into v plus, करो इसका डिफरेंशिएशन f of d का, इसका डिफरेंशिएशन कितना, f dash of d, आया ना, केवल इसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका हुआ f dash of d, और पड़ा कौन है, upon f of d into कितना, इतनी बातें क्लियर हुई, अब इसके बाद फिर अगले हिस्से पर आना, ऊपर आते हैं, पूरे पर दोनों साइड में मुझको क्या चाहिए, मुझको पी आई निकालना है किसका, x इंटू कैपिटल v का, तो x इंटू कैपिटल v का पी आई हम लोग जानते हैं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ v ऑपरेटेड ऑन x इंटू v, यही तो होता है, क्या तुमको यहाँ पर x इंटू v नजर आ रहा है, केवल नजर कौन नहीं है, 1 अपॉन f ऑफ d, तो दोनों साइड में 1 अपॉन f ऑफ d को ऑपरेट करा, दोनों साइड में 1 अपॉन f ऑफ d को ऑपरेट कराओगे तो बोलो f ऑफ d का जस्ट अपोजिट 1 अपॉन f ऑफ d है कि नहीं, तो f ऑफ d कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x into 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d into v, देखो ये 1 अपॉन f ऑफ d ऑपरेट कराया इतने हिस्से पर, f ऑफ d एक दूसरे को कैंसिल आउट हो गया, बचा x into 1 अपॉन f ऑफ d, इधर भी ऑपरेट कराओ राइट साइड में तो बोलो यहाँ कौन ऑपरेट करेगा, यहाँ ये 1 अपॉन f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन x into v प्लस f dash of d, f of d पहले से था, आप एक और ऑपरेट करा f of d का होल स्क्वायर और इनटू कितना कैपिटल v, तो यही इतना ही तो मेरा pi है, तो बोलो मेरा pi क्या बता, 1 upon f of d x into v is equal to x into 1 upon f of d v minus f dash of d upon f of d का होल स्क्वायर v, this is the rule for finding pi when our capital q is x into v, यही मैकेनिज्म है, इसी चीज को हम बार बार काट रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं मैकेनिज्म जब तुमको पढ़ना है तुमको किताब की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक, अब या तो हम ये पूरा इतना निकलवाएं और एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता, अगर अपने यहाँ एग्जाम में मैकेनिज्म पूछा जाता होता तो बहुत अच्छी बात होती, लड़के एक बार मैकेनिज्म सीखते, अदरवाइज तुम केवल फार्मूला रख रहे हो, इसका पी आई ऐसे निकलेगा इसका पी आई ऐसे, और सामने सब कुछ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है, आप कर क्या रहे हो, लैमिनेट्स का रूल लगा रहे हो, एक फंक्शन की सेटिंग कर रहे हो और अपना पी आई फाइंड आउट कर रहे हो, इतने तो हो रहा है, ये पी आई निकालने का जनरल तरीका है, फार्मूला बनाने का, ठीक, अब आओ अपने फार्मूले की तरफ, हम लोग जो काम किए थे ये मिटा दे पूरा, ये मिटा दे, ये तुमको किताब में मिलेगा, हम मेन ये चेक करते हैं मेरे फार्मूले में यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, इसको हम अभी डील कर लेंगे।
अब ऊपर वाले को दिखाते हैं, देखना अगर ऊपर वाले में गलती है तो अभी मिल जाएगी। पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी, कितने का, एक्स इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ लिमिटेड ऑन। नीचे का फार्मूला तो सही है, किसी को इसमें कोई दिक्कत, ये तो डिराइव करके निकाल दिए हैं, ऊपर वाले की चेकिंग कर लेते हैं। माइनस ब्रैकेट के अंदर, अगर ये माइनस नहीं होगा, अगर ये माइनस नहीं हो तब ये प्लस में बदल जाएगा और वही गलती हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करें, वन अपॉन एफ ऑफ डी का डिफरेंशिएशन, पहले कौन छूटता, नीचे वाला एफ ऑफ डी एज इट इज छूट जाता है, ऊपर वन का डिफरेंशिएशन कितना, वन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। फिर आता है क्या, माइनस आपकी कौन छूटता, वन, और एफ ऑफ डी का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ डी, और नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देता, पॉजिटिव, इसका मतलब ये गलत है, क्या मिल गई गलती। सही सलामत लिख रहे हैं, ये बन जाएगा मेरे पास केवल और केवल पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी एक्स इंटू बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी बी माइनस एफ डैश ऑफ डी अपॉन एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन कैपिटल। अच्छा ये बताओ, एक का मैकेनिज्म दिख गया, दुर्घटना का समझ आई, एक का मैकेनिज्म नजर आ गया, अगर कोशिश करना किताब से मैकेनिज्म समझ पाओ तो एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर, हम इसी के बाद पढ़ना कर, अगर किताब से मैकेनिज्म समझ पाओ तो एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर। मैकेनिज्म एक बेहतर चीज होती है, वो तुमको ये बताता है कि आपने काम कैसे किया, जोड़ तोड़ सिखाता है, एक बार जोड़ तोड़ इसमें सीख गए तो तुमको फार्मूला रटना नहीं कि भैया यही होता है, नहीं, अब वो तुमको लगेगा हाँ यार ये तो भाई रूल आ रहा, अदरवाइज तुम यही करो यार इस तरह लिखा दिए रटना है रटना है रटना है रटना है रटना नहीं। हम भैया बताएं कि केवल 45 मिनट का जो टाइम स्लॉट ये तो हम लोग आखिरी में पढ़े तो इतना लंबा खींच जाता, अदरवाइज ये वही बीच में पढ़े होते ना तो 45 मिनट में ताव पड़ा हुआ पानी छल की तरह होता। अब आई बात सुन में, तो एक बार हर किताब में मैकेनिज्म जो है चेक जरूर कर लेना सबका जितना पी आई निकाला है। चलो एक मिनट का लगाएं, कब छोड़ें वैसे ही मेरे ख्याल से कई संडे नहीं पढ़े, दो तीन संडे नहीं पढ़े, अच्छा दो संडे तो हम अपने आप से छोड़े हैं। पिछला संडे ही छोटा था होली वाला, एक संडे में आप छुट्टी पकड़ में बैठ गए, अगला दिन संभाल लो। m = (+-3i)
अच्छा कॉम्प्लेक्स रूट अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइम, जहां रियल पार्ट अल्फा बराबर कितना जीरो, तो ई की पावर अल्फा एक्स वाला टर्म कितना सी एफ का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ सी वन कॉस थ्री एक्स प्लस सी टू साइन थ्री एक्स साई कैसे निकालो थ्री आई कैपिटल V, यानी कि sin x माइनस इसका डिफरेंशिएशन, ये ठीक है डिफरेंशिएशन ऑफ d स्क्वायर प्लस 9 अपॉन d स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर एंड दिस ऑपरेटेड ऑन द sin x, सही है गलत ठीक है पढ़ाते वाले लोग अरे गड़बड़ इधर इधर This is equal to x into full d square की जगह कितना minus one, क्योंकि यहाँ a बराबर कितना one, one upon minus one plus nine कितने का five, इनको differentiate करो कितना two d upon d square plus nine का whole square, this operated on the sin. भैया कितना आया x sin x अपॉन कितना 8 माइनस 2 को बाहर करो सुनो इधर इधर d स्क्वायर है ना माइनस 1 रखो अच्छा माइनस 1 रखोगे तो 9 माइनस 1 कितना आया 8 और 8 बाई 64 यानी कि 2 बाई 64 और नॉट d ऑपरेटेड ऑन द जिसको दिक्कत लगे पूरा करके दिखाए समझ आ जाएगा डिफरेंशिएट कर लो साइन एक्स को काम करना साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और दो बटे चौसठ मतलब एक बटे बत्तीस एक्स बटे आठ साइन एक्स माइनस एक बटे बत्तीस दिस इज द पी आई तो कंप्लीट सॉल्यूशन ये फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन वाई बराबर सी वन कॉस थ्री एक्स प्लस सी टू साइन 3x और प्लस x बाई 8 साइन x माइनस cos x अपॉन आंसर. अब सुनो कंफ्यूज ना होना साइन x साइन 3x उधर ना खासकर ये साइन 3x होता भी ना तब भी बचा रहता क्योंकि आगे किसको बैठाया है x को हाँ कॉन्स्टेंट बैठा था तो निकल यही कोई कम नहीं होता फिलहाल इसी पर रोक दो कल कितने बजे आओगे तो यही ना 7:30 बजे तुम लोग टेस्ट के लिए आओगे 10 बजे आओगे क्लास के लिए हाँ अब कॉफी सब ना अब पता ही नहीं क्या करना है.